मध्य प्रदेश में आईसीसी डेलीगेट्स की सूची आने के बाद कांग्रेस में ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने एक व्यक्ति एक पद का फैसला किया था, लेकिन कई नेताओं को प्रदेश कांग्रेस के साथ साथ आईसीसी के डेलीगेट सूची में जगह दी गई है। वहीं कई बड़े नेताओं को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि कांग्रेस ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है कि ऐसे नेताओं को प्रदेश संगठन में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दरअसल AICC डेलीगेट्स एक ही परिवार को दो दो सदस्यों की जिम्मेदारी दे दी गई, जबकि कई बड़े नेताओं के नाम इस सूची में शामिल नहीं थे। ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जिन नेताओं को AICC डेलीगेट्स में जगह नहीं दी गई है, उन्हें आने वाले वक्त में संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि 200 AICC डेलीगेट्स की सूची भेजी गई थी, जिसमें 99 नेताओं को ही जगह मिली। सूची जारी होने के बाद नेताओं में नाराजगी है और पार्टी के जिम्मेदार चुनाव के पहले नेताओं को नाराज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमारा कार्यकर्ता कोई संतुष्ट नहीं। हाँ, लेकिन जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको जिम्मेदारियां और भी दी जाएंगी। जिनको अभी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली थी, उनको और जिम्मेदारियां दी जाएंगी। चुनाव लड़ना है, चुनाव में सबकी भूमिका रहती है, एकजुट होकर लड़ेंगे। हर एक व्यक्ति के पास जिम्मेदारी होगी और उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी यही है कि उसको बीजेपी की जनविरोधी सरकार को बाहर करना। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के विधायक भाई सचिन यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान जैसे नेताओं को इस बार कोई पद नहीं मिला, जबकि इनके पास पहले जो पद थे वह भी हाथ से निकल गए। ऐसे में बताया जा रहा है कि कई नेताओं में नाराजगी है, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस जल्दी संगठन में नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांजे की रिपोर्ट।